जीरो में बात कर रहा हूँ भाइयों। तो चलिए बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप 2024 के पहले सुपर डुपर धमाकेदार मुकाबले के बारे में, जो खेला जाएगा मेरे भाई यूएसए बनाम कनाडा के बीच। और ये मुकाबला मेरे भाई 2 तारीख को भारतीय समय अनुसार 6 बजे सुबह में खेली जाएगी। तो आप इस वीडियो में ये बताने वाले मेरे भाई कौन सी टीम टॉस जीती, कौन सी टीम मैच जीतेगी, सेशन क्या होगा मेरे भाई, लंबी क्या होगा। आगे बात करूं उससे पहले, अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो, पहली बार आए हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नीचे सब्सक्राइब का आइकन दिखेगा, वहां पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि हमारे आने वाली और वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और मेरे भाई फाइनल प्रोडक्शन फाइनल रिपोर्ट आईपीएल की तरह, जिस तरह से आईपीएल ने आप लोगों को धमाकेदार दमदार काम दिया मेरे भाई, 2-3 जैकपॉट शायद से मिस हुए होंगे, टोटल आईपीएल में 2 से 3 जैकपॉट शायद मिस हुए होंगे, वरना हर एक जैकपॉट को आप लोग को ओपन में कैश करा कर दिया मेरे भाई। तो वैसा ही मुकाबला के लिए आप लोग तैयार रहिए, वैसे ही मैचेस के लिए आप लोग तैयार रहिए, वैसे ही एंट्री के लिए आप लोग तैयार रहिए मेरे भाई। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम से का लिंक मिलेगा, वहां से जाकर के आप लोग को टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाना मेरे भाई, क्योंकि मेरे भाई फाइनल प्रोडक्शन फाइनल टॉस रिपोर्ट आप लोगों को सेशन की, विकेट कॉल की, लंबी की, हर तरह की रिपोर्ट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगी मेरे भाई। 2 टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोग को दिया गया है मेरे भाई, एक मेरा मेन टेलीग्राम चैनल लिंक जहाँ पे आप लोग को मैच मिलती है और फैंसी से रिलेटेड जितने भी काम होती है मेरे भाई, जैसे कि टॉस, विकेट कॉल, सेशन लंबी, वो काम मेरे भाई रॉयल फैंसी में कराई जाती है। दोनों टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जाकर के दोनों चैनल को आप लोग को ज्वाइन करना है मेरे भाई। चलिए बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। तो ये मुकाबला मेरे भाई, पहली बात ये है कि यूएसए को डायरेक्ट एंट्री मिली है, क्योंकि यूएसए और कैरेबियन कंट्री आपस में मिलकर करा रही है, तो यूएसए को यहाँ पे सीधा एंट्री मिल गई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए। और यूएसए कनाडा वर्ल्ड कप में पहली बार खेल रहे हैं, और ये दोनों टीम जब भी आपस में खेलती है मेरे भाई, मैच बड़ा बनता है, मुकाबला बड़ा बनता है, पंटर के नज़रिए से मेरे भाई प्रॉफिटेबल मुकाबला बनता है। और 2 तारीख का ये पहला मुकाबला मेरे भाई प्रॉफिटेबल मुकाबला था, क्योंकि सेकेंड मुकाबला तो आपका ये वेस्ट इंडीज बनाम पापुआ न्यू गिनी में, उसमें तो आप लोग भूल जाइए, लेकिन पहला मुकाबला आप लोग कमाने के लिए मुकाबला बनेगा मेरे भाई, आप लोग को पैसा देने वाला मुकाबला बनेगा। क्योंकि देखो पाकिस्तान और इंग्लैंड का जो पाकिस्तान टूर ऑफ इंग्लैंड का जो सीरीज चल रहा था, वहाँ पे सारे मैच स्ट्रेट गए हैं, तो यहाँ पे पंटर को खाया गया है। तो अब पंटर खाने के बाद ये, तो ये जो पहला मुकाबला यहाँ मेरे भाई पंटर को खाने को मिलेगा, पंटर को बुकी लॉबी को उड़ाने को मिलेगा। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, आप लोग को बहुत बेहतरीन तरीके समझ में आएगी, लास्ट तक वीडियो को देखिएगा। चलिए बात करें सबसे पहले इन दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड्स के बारे में, कि जब भी ये दोनों टीम आपस में भिड़ी है तो क्या हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे यूएस और कनाडा आपस में मेरे भाई 7 मुकाबले भिड़ चुके, जहाँ पे यूनाइटेड स्टेट ने टोटल 5 मुकाबले को अपने नाम किया, वहीं पे कनाडा ने केवल 2 मुकाबले को अपने नाम किया है। ठीक है, तो ये एक दूसरे के यहाँ जो सीरीज खेलती है, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे कनाडा यूएसए के अंदर ज़्यादातर सीरीज खेली है, तो होम ग्राउंड पे यहाँ पे यूएसए काफ़ी अच्छा खेलता है, याद रखिएगा, और यहाँ पे काफ़ी बेहतर प्रदर्शन करते हुए आपको यूएसए दिखेगी। लेकिन यहाँ पे मेरे भाई कनाडा मेरे भाई अगर एंट्री लेकर आइए वर्ल्ड कप में, तो यहाँ पे कनाडा पीछे नहीं हटेगी, और कनाडा के पास भी अच्छे अच्छे बॉलर हैं मेरे भाई, अच्छे अच्छे बैट्समैन हैं, तो यहाँ पे बिल्कुल धमाकेदार और कांटे वाला बिल्कुल मुकाबला देखने को आप लोग को मिल सकता है। वहीं बात की जाए मेरे भाई इस मुकाबले की, तो ये मुकाबला मेरे भाई खेला जाएगा आपका आपका डलास क्रिकेट स्टेडियम में, जो कि यूनाइटेड स्टेट का होम ग्राउंड होगा। और यहाँ की अगर टोटल मैचेस की बात की जाए, देखो यहाँ पे इंटरनेशनल डलास क्रिकेट स्टेडियम में यहाँ पे अभी तक एक भी इंटरनेशनल मैचेस नहीं खेले गए हैं। ठीक है, ना ODI के ना T20 के इंटरनेशनल मैचेस खेले गए हैं। डोमेस्टिक मैचेस की मैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट लेकर आया हूँ। डोमेस्टिक यहाँ पे अगर बात की जाए मेरे भाई, तो यहाँ पे 11 मैचेस खेले जा चुके हैं डोमेस्टिक मैचेस के, जहाँ पे पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने टोटल 8 मुकाबले को जीता है, और सेकंड बल्लेबाजी करते हुए टीम यानी चेज करते हुए टीम ने यहाँ पे टोटल 3 मुकाबले को जीता, और यहाँ पे टाई एक मुकाबला नहीं हुआ है। ये मैं डोमेस्टिक मैचेस की मैं बता रहा हूँ आप लोगों को पिच रिपोर्ट। और यहाँ पे एवरेज स्कोर फर्स्ट बैट की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो 166 रन की होती है। वहीं अगर हाई स्कोर की बात की जाए, तो यहाँ पे सन फ्रांसिस्को की रही यहाँ पे 215 रन 5 विकेट नुकसान पे, और लोवेस्ट स्कोर की रही मतलब लॉस एंजलिस राइडर्स की 50 रन 10 विकेट के नुकसान पे। वहीं अगर स्कोरिंग पैटर्न की हम लोग बात करें, तो यहाँ पे 150 से नीचे का स्कोर यहाँ पे 3 बार लगा है, 150 से 169 का स्कोर यहाँ पे 4 बार लगा है, और 170 से 189 का स्कोर यहाँ पे टोटल 2 बार लगा, और मेरे भाई 190 प्लस का स्कोर यहाँ पे टोटल 2 बार लगा है। देखा जाए मेरे भाई, तो ये एक एवरेज स्कोरिंग ग्राउंड है, और यहाँ पे ज़्यादा स्कोर आप लोग को इन दोनों दोनों टीमों के जब भी मैचेस खेले जाएंगे, तो यहाँ पे आप लोग को ज़्यादा ऊपर वाली 190 प्लस 200 प्लस की आप लोग का स्कोर नहीं दिखेगा आप लोग की। वहीं अगर पावर प्ले स्कोर की बात की जाए मेरे भाई, तो मेरे अनुसार इसमें देखो, क्योंकि है ये बिल्कुल फ्रेश पिच, लेकिन जो मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ, मेरे अनुसार यहाँ पे लमसम 45 से 50 के बीच में यहाँ पे आपको पावर प्ले में रन दिखता हुआ लगता हुआ आप लोग को दिखेगा। वहीं अगर 10 ओवर की बात की जाए मेरे भाई,
तो यहाँ पे आप लोग चले जाइए लमसम 70-72 करीब, 15 ओवर के 15 ओवर छोड़ ही दो, 15 ओवर बिल्कुल छोड़ दो, 15 ओवर का तो सर रिस्की मामला होता है क्योंकि वो मिडिल ओवर होता है, जो मिडिल ओवर में जो गेम अपने तरफ कर ले या बॉलिंग टीम या बैटिंग टीम उसके तरफ टोटल गेम चला जाता है लमसम 70-80%। ठीक है, चलिए लंबी की बात करते हैं मेरे भाई। तो यहाँ पे लंबी आपको 170 के बीच में आप लोग को यहाँ पे लंबी देखते हुए मिलेगी। इससे ज़्यादा ऊपर स्कोर जाने की उम्मीद नहीं कितना ही फ्रेश पिच क्यों ना हो, क्योंकि यूएस की और कैरिबियन कंट्री की दोनों का पिच बिल्कुल सेम होती है, जहाँ ज़्यादा वहाँ पे आपको रन लगते हुए नहीं दिखेगी। 165-170 के बीच में लंबी रहेगी। फाइनल लंबी क्या होगा, फाइनल 6 ओवर का सेशन क्या होगा, ये मेरे भाई आप लोग को रॉयल फैंसी चैनल मिलेगी। नीचे रॉयल फैंसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रॉयल फैंसी टेलीग्राम लिंक, टेलीग्राम का लिंक आप लोग को मिल जाएगा, जाकर वहां पर देख लीजिएगा। और मेरे भाई दोनों टीमों की अगर प्लेइंग 11 की बात की जाए मेरे भाई, तो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार से है। आप लोग देख लेंगे दोनों टीमों का प्लेइंग 11 क्या है क्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग खुद यहाँ पे देखोगे जो ड्रीम 11 वाले भी होंगे वो अपन अनुसार वो टीम बनाएंगे। तो दोनों टीमों का प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार है। चलिए सीधा बात करते हैं मेरे भाई, कौन सी टीम टॉस जीतेगी, कौन सी टीम मैच जीतेगी। तो मेरे अनुसार इस मुकाबले का टॉस यूनाइटेड स्टेट जीतने जा रही है, यूएसए जीतने जा रही है। इस मुकाबले का टॉस यूएसए जीतेगी। वहीं अगर मैच की बात की जाए मेरे भाई, तो मेरे अनुसार इस मुकाबले का को जो जीतेगा वो यूएसए होगी, यूएसए इस मुकाबले को जीतेगी मेरे भाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, और याद रखिएगा फाइनल मैच प्रिडिक्शन आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। जो ये लाइन जो जब जो अगर बीच से अगर जो प्रिडिक्शन सुन के जो चले गए उनके लिए तो खैर ये लॉस का धंधा होने वाला है। जो अभी तक आप लोग मेरे व्यूअर अभी तक आप लोग टिके हुए, एक चीज़ समझना, वर्ल्ड कप में कोई भी टीम कमज़ोर नहीं होती। स्कॉटलैंड जैसी टीम साउथ अफ्रीका को हरा देती है, ठीक है। अगर मैं अभी जो मेरी अभी सोच है जिस तरह से मैं समझ पा रहा हूँ चीज़ों को, तो यहाँ पर मुझे यूएसए जीतते हुए नजर आ रही है। पर मेरे भाई आफ्टर टॉस चीज़ें चेंज हो सकती हैं, तो जिसके लिए मेरे भाई फाइनल प्रेडिक्शन फाइनल रिपोर्ट के लिए आप लोग को मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल लिंक मिलेगा, जाकर ज्वाइन करना मेरे भाई। जिस तरह से आप आईपीएल में आप लोग को जिताया है, मोटा प्रॉफिट कराया मेरे भाई, बिल्कुल मुट्ठी भर के मेरे भाई, मुट्ठी से ज़्यादा, उससे बेहतरीन काम आप लोग को वर्ल्ड कप में मिलने वाली है। बात की जाए 2023 की वर्ल्ड कप की, T20 वर्ल्ड कप की, 2 या 3 मैच मेरे फेल रहे थे, बाकी मेरे टोटल के टोटल मैच पास रहे थे मेरे भाई। डंके के चोट पे ओपन मार्केट में चैलेंज करके बोल रहा हूँ, और वर्ल्ड कप में क्या काम निकाल कर देता हूँ मेरे भाई, जाकर टेलीग्राम में देख लेना। लमसम 4-5 साल काम आप लोग को टेलीग्राम में पड़ा हुआ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। जाइएगा काम देखिएगा, काम का दाम होता है। जिस तरह से मार्केट आप लोग घूम रहे हो भटक रहे हो, 100 गुना बेहतरीन काम आप लोगों को निकाल कर दे रहा हूँ। चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए धन्यवाद।